नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास रतूर। HNN गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा छात्र की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जी हां, श्रीनगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वीडियो में पिता के सामने ही विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने छात्र की दरवाजे बंद करके पिटाई कर दी। छात्र अपनी बैक परीक्षा का रिजल्ट नेट पर डलवाने आया था, क्योंकि उसके द्वारा दी गई बैक परीक्षा का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा नेट पर नहीं डाला गया था, जिस वजह से उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। जब वह उक्त बाबत श्रीनगर स्थित विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचा तो उसकी बात को लेकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों से बहस हो गई और बहस मारपीट में तब्दील हो गई। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने दरवाजा बंद करके छात्र की घसीट घसीट कर पिटाई कर दी। यह वीडियो 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि वीडियो गढ़वाल विश्वविद्यालय के ही कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है। वीडियो देखकर साफ पता चल रहा है दूसरा कर्मचारी अपनी टेबल पर बैठकर यह वीडियो बना रहा है। फिलहाल इस मामले में श्रीनगर कोतवाली में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ना ही छात्र के द्वारा कोई तहरीर पुलिस को दी गई है। TNN के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा से अपनी नाकामियां छुपाने के लिए छात्रों पर अपनी जो गलतियां हैं वो थोपता रहा है। काफ़ी छात्रों का रिजल्ट खराब होता है, वो लेकर समस्या को लेकर श्रीनगर जाते हैं, लेकिन कोई भी जो वहाँ अधिकारी बैठते हैं वो छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं होते हैं और वो रिजल्ट ठीक कराने आते हैं, उल्टा उन्हीं को डांटा जाता है कि आपकी गलती है। और अभी एक वीडियो सामने आया है कि छात्र की समस्या सुनने की बजाय उनको उनके साथ मारपीट की गई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। विश्वविद्यालय का सामने आया है जिसमें कि एक छात्र के साथ बदसलूकी और उसके साथ मारपीट की जा रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को ये अधिकार नहीं कि वो छात्र के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कर्मचारी पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग एक बात कहना चाह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन में जब एनुअल सिस्टम होता था उस समय उतने ही कर्मचारी वहाँ थे, आज सेमेस्टर सिस्टम में जब इतनी बार रिजल्ट खोलना पड़ रहा है तब भी उतने कर्मचारी वहाँ हैं। तो हम भी ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों पर भी दबाव है, लेकिन उन कर्मचारियों पर दबाव के साथ इस बात को किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया, हम उन पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि अगर वो इस सेमेस्टर सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है, उसके पास उपयुक्त कर्मचारी इस सेमेस्टर सिस्टम को चलाने के लिए नहीं है, तो इस सेमेस्टर सिस्टम को बंद करके पहले जैसा एनुअल सिस्टम इस विश्वविद्यालय के भीतर लागू किया जाए।